कि उसके इतने टचेस इतने की पासिस शॉट्स बुफॉन तगड़ा एंड मेसी वाज द बेस्ट मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या प्रूफ करना क्या चाहते हो ये दिखा के क्या प्रूफ करना चाहते हो क्या तुम डाउट करते हो कि मेसी बढ़िया नहीं है आई एक्सपेक्ट दीज नंबर ये डेली ये डेली नंबर है ये रुकी नंबर है मेसी के लिए हर गेम में प्रोड्यूस करते हो अगेंस भी बहुत तगड़े टचेस थे की पासस निकाले शॉर्ट शॉर्ट्स ऑन टारगेट थे मुझे समझ नहीं आ रहा है प्रू क्या करना चाहते हो तुम क्यों अगेन मेस्सी और रोनाल्डो कंपेरिजन की रोनाल्डो से पेनल्टी मारी वो सब दी इट्स लाइक कंपेयरिंग लेनार्डो लेन आपरू एंड विन डीजल मूवी देखता घटे कंपेयर रोनाल्डो का काम नहीं है कि वो ड्रिबल करे वो इन स्पेस में हो फाइन कर उसका काम नहीं है की पास निकाल, उसका काम है, पोचर, फिनिशर, टीम को आगे बढ़ाना, बॉक्स में घुसना तो है नो सेंस नो सेंसिंग सेट देना रहेंगे बट यहाँ इक्यालीस बयालीस साल के बुढ़े कड़कड़ाते हुए टट्टे बिल्कुल सिक्योर तगड़े से करे बुफान लेजेंडरी गोलकीपर डेफिनेट दिस ऑल टू अभी भी स्टार्ट नहीं हो अभी बीच में कुछ है फाइनली गेम फाइनली टू ले खेल रहे थे against each other. वो certain moment जि, जिसको तुम ढूंढते हो वो बक्चोदी जो तुम्हारे दिल में हमेशा तक रह जाते हैं और क्लिप्स और चीजें एक हिस्ट्री वाला दिन था ऑब्वियसली डेफिनेटली एंड यह भी काफी अच्छा मोमेंट था जब रोनाल्डो ने बॉल छीरी तो यह सब चीज हम देखते हैं अच्छा लगा अच्छा लगा काफी डिनर का बोरा मुझे समझ नहीं बार सोना लूज द सुपर में सी ग्रुप में देवर टॉप ऑब्वियसली बट थ्री नील हारने के बाद हेड टू हेड यूवेंटस आगे काम खत्म अब मैं क्या मैं मैं क्या 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 को ब्लेम करूँ सबसे पहले आई वोट ब्लेम हिम क्योंकि ठीक है तिरंगाओ खिलाया मुझे पता नहीं क्यों मेबी मे बी वो थोड़ी चीज है मेबी कंटिन्यू क्यों नहीं खिलाया उसको क्यों नहीं लाया एंड और कोई ऑप्शन था नहीं ऑब्वियसली लॉन्ग ले सॉरी पी के नहीं एंड है, ये रॉक्सार कर देगा रॉसार तो नहीं करनी वैन चो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी उतना ओनस जा रहा था कि मेरे पास पेसी विंगर्स पेसीजफा डेम्बेलेमबेले प्ले स्टेशन तुमको पता है एंड तुम खुद इमेजिन करो तुम बारह कोच हो तुम रोनल्ड को मेन हो तुम गेम को प्लान कर रहे हो और ये फालतू का सब्सटीट्यूशन है उनती थी वॉज नॉट इन द प्लान्स की इस गेम में वो खेलेगा भी बट क्योंकि लॉन्गली हरकतें कर रहा था या फिर अनलक्की था या हैंडबॉल बॉल चूंकि बक्श होती उसको हटाना पड़ेगा क्योंकि रेड कार्ड मिलता है वो टेन मैन हो जाते तो अगेन एक सब्सिट्यूट वेस्ट मुझे पता है पॉइंट अच्छे नहीं कि पांच होते हैं बट स्टिल इन माई ओपिनियन आई एम रियली सॉरी टू से मैं जब भी इसको देखता हूँ मैं इसको डिफेंड पता नहीं मैं डिफेंड करता हूँ शायद से कि ठीक है इसकी पोजिशन नहीं होगी ये अभी भी आया टाइम तुमको पता वो सब चीज़ें हर कोई करता है बट इन माई ओपिनियन इस गेम में यह लंड था एंड ही नीड्स टू टेक रिस्पांसिबिलिटी इस बात की ये इसका ये इसका जॉन्ड्री है इसका स्पेस है कितनी बार वो था विडिंग सब चीजें एंड बिटवीन द लाइन सी सब बात थी कब तुमने देखा ग्रेसवन को बॉल पर कब तुम तुमने कब देखा मैंने नहीं देखा इन, अब इसमें कुमन क्या करे उसमें तो अगेन ग्रेसमन का काम क्या है लिंक कब प्ले करना वहां पर अराइव करना शॉर्ट क्रिएट करना उसने नहीं किया उसने नहीं किया मे बी रिकी पुज को ज्यादा जल्दी बुलाना था क्योंकि वो फार था एंड ये एविडेंट है एथलेटिकों वाली गेम में भी फार था उस नंबर टेन वाले रोल में इसमें भी आया डायरेक्ट बॉल पिक कर रहा था एंड वेन तुम इस सिचुएशन में आता तो तुमको एक वही वही बच्चे एक गुदा चाहिए तो मैं साइडवेज नहीं रहा हूँ एंड वो प्रोवाइड करता है एनर्जी प्रेसिंग तुमको पता है मे बी मे बी ये रीजन बट वो अगली गेम से खेलना चाहिए लेवानते वाली तो ऐसे कुछ सर्टन पॉइंट्स को लेकर आई कैंट सोली ब्लेम रोनल्ड को मैन हैट दैट वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है बारह से बारह पॉइंट ऑफिस एथलेटिकों से पीछे ग्रुप हार गई

तो उसको वेस्टर्न मैके रामजी प्रेस करे थे बिल्कुल मैन टू मैन वेन यू प्ले थ्री फोर वन टू चीजें बिल्कुल मैन टू मैन थी बिल्कुल थी, क्योंकि प्रेसिंग मैं सर्प, था इस लाइन को देखा और नहीं थे, क्योंकि वो वाली डर्मी में खेले थे एंड डिसेंट सेकंड हाफ में थोड़ा सा दिवाला नहीं था क्योंकि दिवाला के वो नहीं उसका नहीं हो पार. तो मैं क्या इमेजिन करूं मैं, मैं सोचूं इस लाइनअप से क्या करने क्या वाला है बेसिक है म प्रॉपर नंबर एट है बट नहीं है नंबर टेम भी खेल सकता है एंड सेम ये विंगर कम मिडफील्डर है मैं वेस्टर्न मके तो दो भागने वाले भड़वे मिडफील्डर्स जो इन बिहार निकालेंगे बॉक्स में घुसेंगे क्रॉसेज में क्वाद्र तो एंड दानी हैड द मोस्ट टचेस ज्यादा इन माइपी काफी फार था उसके इंटरसेप्शन वो सब चीजें काफी पॉइंट में काफी लीड फॉल भी उसने करे चार बार जो विच इज नाइस तुम गिरा दो तो उनका मोमेंटम ब्रेक करने के लिए इनिशियल के पंद्रह बीस मिनट इवेंट इज डॉमिनेटेड अर्थ द बॉल काफी क्लोज टू दैट एंड है काफी कुछ हो गया था इस गेम में डायरेक्ट ऑफ फ्रेंकी मिल रहे थे आर्थर प्यानिश बगचौदी मेसी रोनाल्डो एंड कूमन लड़ रहा था दिबाला से <laughs> पता नहीं भैंसू कितनी बार देख चुके हैं पिछले सीजन भी जो लास्ट गेम थी बारसा की ओसा सुना ला लीगा याद करो कितनी बार तुमको पता मैं कितनी बार रिव्यू डाल चुका हूँ कि बैक फाइव होता है बारसा वो बिल्कुल मिडफील्ड को, को क्लोज करते कर मिडफील्ड को क्लोज कर देते बारसा साइड वे जाएगी तो कितनी बार की केटिंग कितनी बार ही करता है तो इसमें कुछ नया नहीं था तो आई डोंट अगर मैं भारसा फिर ये भी नहीं बोल रहा कि नहीं यार तो पाकदबस कर लिया फिर वो वे क्यों नहीं करेंगे वो क्यों नहीं क्योंकि भारसा की वीकनेस क्यों नहीं करेगा कोई क्यों नहीं बट सिर्फ पाकदबस पाकदबस नहीं होती ना अच्छे काउंटर प्रेस भी जैसे कि मोराटा हेल्प कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं मैं स्पर्स और आसन वाली गेम से कंपेयर नहीं कर रहा बट वो एग्जाम्पल ले लो आसन के तैतीस ते कॉसेस थे फोर्टी फोर क्रॉसिस सॉरी मैं तुमको ऐसी इमेजेस दिखा सकता हूं कि रोनाल्डो ट्रैक बैक कर रहा है नॉर्मल ये को मैं काफी बार देख चुका हूँ ट्रैक बैक करते हुए इस यूवेंटिस के अंदर क्योंकि अगेन पिरलो की याद करो थीसिस है ऑब्वियसली उसने बोला थीसिस में कि मैं प्रेस करूंगा वो सब चीजें वो पॉसिबल नहीं है हर गेम में एंड दूसरी बात उसने बोला था कि मेरा फुटबॉल विल बी अ कॉम्बिनेशन सॉर्ट ऑफ एंड वुड बी इंस्पायर्ड बाय बायथोनियो भड़वा क्वान्टे एंड भड़वा क्वान्टे डिफेंसिवली तुमको पता है तो यू कैंट रिमूव वो डिफेंसिव एनिमोसिटी वाला बिहेवियर यूवेंट से यू कैंट ट्रांसफॉर्म दम कि हम तो बिल्कुल लिवरपूल बनेंगे ऐसा नहीं हो सकता एंड ये भी पहली बार नहीं हो रहा कि एक इटालियन साइड कैंपरू में रही अगर नापोली ना हो तो क्योंकि नापोली सैतन वाली गेम में अगर तुम तुमको याद हो तो नापोली डोमिनेटेड कहीं ना कहीं विद द बॉल एंड बाहर से डिफेंड करे थे याद है तुमको मोरीना की इंटर में लानी थी तुमको पता हो तो वो डिफेंड करके ले गए थे आराम से एंड इवेंटर्स uh, पहले भी आ चुके है याद है जब बारसा को बाहर करा था ये पहली बार नहीं हो रहा इट इज़ फुटबॉल फुटबॉल है ही अगेन को थोड़ी इंडिविजुअल मिस्टेक्स यानी कि जो पहला गोल था फॉर एग्जाम्पल वॉज अ वन बी वन सिचुएशन यहाँ पर रोनर्ड अराहो को हाथ डालने की जरूरत नहीं थी उसको बॉडी डालनी थी यानी कि हाथ उसको ऊपर पूरा गिर ही जाएगा तो ऑवियली पेनल्टी मिलेगी सेकंड गोल तो लिटरली कैलामिटी टाइप है फ्रेंकी तो पहली बात तो आउट ऑफ पोजिशन है क्योंकि ऑफेंसिव फेज में जाते हैं यही यू ने एक्सप्लाइट किया उनको पता था रामजी अगेन इन बी रन वेस्टर्न मैकेनी लैस्ड वो सब चीजें रामजी को कोई प्रेस नहीं कर रहा पेदरिक उसको क्लोज डाउन नहीं कर रहा एंड पेरिक लिटरी डिफेंड कर रहा है ये बहुत बड़ी बात है पे है वहाँ पे है वो पैनिश ने उसको ऐसी मस्ती में जाना दिया कि चला जा चन्ने के खेत में चला जाओ आराम से वेस्टर्न मैकेनिक अनमार्क्ड अच्छी मूवमेंट प्यारा गोल तड़ा गोल लिटरली इवेंट डिड नॉट डिनेटेड बार्सलोना ऑब्वियसली बट दे डिजर्व टू वन क्योंकि दे वर अग्रेसिव एंड इट लुक लाइक दे वॉन्टेड इट मोर अगेन जैसे कि तुम देखो टच लाइन पर बंदे चिल्ला रहे थे रगा जी रगा जी कुत्ते की तरह की भाग वो प्रेस पर हर ये प्रॉपर एग्जाम्पल है कि एक टीम विद द बॉल एंड एक टीम विदाउट द बॉल कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है फुटबॉल ब्रेथवेट को बुलाया बाद में ब्रेथेट ने थोड़ा डिफेंस बनाया जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब डेस्ट क्रॉस डाल रहा था राइट में आके ठीक है तो बॉक्स में कोई बंदा से चार्ज नहीं करता चार्ज नहीं कर रहा था तो ब्रेथवेट वो करता है उसने एंड वेन यू चार्ज तुम्हें बीच में, में गैप क्रिएट करो ताकि मैसेज कटबे पे करें ये हो नहीं पाया इतना एक बार होता हो है शायद सेवेंटस मैं भिकूंगा नहीं क्योंकि मुझे पता इवेंटस कैसी टीम है ठीक है हर किसी को पता है कि यूटस अब मुझे पता नहीं बट अगेन काफी लोगों ने बोला कि टूरिन जो दरबी देला मोल्ले थी उसमें सेकेंड हाफ काफी बढ़िया था दे वन लॉड ऑफ डूएल्स तो क्या वो